हेलो गाइस, आज मैं मीठा वाला पोहा बनाने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। ये हमने पोहा लिया है, सौंफ, पीनट, थोड़ा सा कोकोनट, शुगर पाउडर डाल लिया हमने। पोहा को हम अपना रोस्ट करेंगे, पोहा को हम बिल्कुल अच्छा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये थिन हो जाएगा रोस्ट करने से। बिल्कुल अच्छे से रोस्ट हो जाएगा, हल्का हल्का सा गोल्डन ब्राउन सा होने लगेगा। ये बिल्कुल गोल्डन ब्राउन सा हो चुका है, हल्का हल्का सा, बहुत ही क्रंची हो गया। देसी घी या ऑयल आप कुछ भी अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैंने देसी घी डाला है। इसमें पीनट्स जो है हम अपने रोस्ट कर लेंगे, हल्के हल्के से पीनट्स को अपना रोस्ट कर लेंगे। पीनट भी हमने रोस्ट करके निकाल लिए हैं अपने। ये हमारी सौंफ और हरी मिर्च है, आप इसमें कड़ी पत्ता भी ऐड कर सकते हैं। हम अपना ये सौंफ और हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च भी गोला। ये स्वीट पोहा बनता है, बहुत ही अच्छी डेजर्ट बनती है, आपको जरूर ट्राई कीजिएगा। ब्रेकफास्ट में इसमें हम हल्दी डाल देंगे ताकि कलर अच्छा आए हमारे पोहे का। शुगर पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर। सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। पीनट्स ऐड कर देंगे, रोस्टेड पीनट्स ऐड कर दिए आपने अपने। सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हींग हो तो आप हींग भी डाल लीजिएगा। हम अपना रोस्टेड पोहा जो है वो ऐड कर देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर इसे सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा पोहा कितना यम्मी लग रहा है, कितना स्वीट्स यम्मी है। आप इसको ज़रूर बनाएं, उस अपनी फैमिली को खिलाएं। बहुत ही अमेजिंग बनता है, बहुत झटपट बन जाता है। सर करके दिखाते हैं उसको। स्वीट पोहा इज रेडी, बहुत ही अमेजिंग यम्मी क्रंची बना है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही मस्त। ये हमारे ब्रेकफास्ट के लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है।